पूरा करा दिए और फिर से लकड़ी पे आ गए। अरे शर्म करो, तुमने योजना बनाई थी उज्ज्वला योजना, तो तुमने क्यों गैस चूल्हे का रेट बढ़ाया, क्यों गैस अंडे का रेट बढ़ाया? और गैस अंडे का रेट बढ़ाने के साथ साथ दोस्तों मैं पूछना चाहता हूँ, इन लोगों ने GST का क्या हल है? अगर यहाँ पे मेरे व्यापारी दोस्त होंगे, अरे जो अपन गेहूं का आटा लेते हैं उसमें भी ये 5% GST ले रही है सरकार, 5% GST ले रही है दोस्तों। आपको खाने के लिए भी GST देना पड़ रहा है, तो ऐसी सरकार को आप क्यों पसंद कर रहे हो? ऐसी सरकार को आपको उठा के फेंकना है 17 तारीख को। और सम्मानित दोस्त भगत जो हमारे गाँव का है, अरे सिखला से जाओ तो 15 मिनट में हम गोबरगुंडी पहुंच जाऊंगे। कितने मिनट में पहुंच जाऊंगे? 15 मिनट में। रात के 12 बजे का दरवाजा खोलना, अगर गोसिंह भाव आपके लिए नहीं उठेगा तो राजू चौहान को फोन करना, मेरा नंबर आपको दूंगा दोस्तों, मैं आपके साथ चलूंगा आपका कोई काम रहेगा तो। अगर गोसिंह भाव आपको नहीं जानता, अरे आपको क्षेत्र के हो गांव के हो, गोसिंह भाव एक एक नाम से पहचानता है सबको। और कहाँ जाएंगे? वाराणसी गौरव पार्टी के पास, वो तो इलेक्ट्रिक का ठेकेदार है, इसलिए वो चुनाव हार गया, वो तो रायपुर भर जाएगा, कहाँ चले जाएगा? छत्तीसगढ़ चले जाएगा। ऐसे नेता की जरूरत क्या है? और जब कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में चल रही है, कभी टीवी में कभी पेपर में सभी जगह देख लो, कांग्रेस 130 से 140 सीटें जीत ला रही है, बीजेपी कितनी जीत रही है? अगर 60 से 70 वोट इनका कोई बहुमत नहीं बन रहा है। और ये निर्दलीय की बात तो मैं करता ही नहीं, निर्दल